Let's do question number 10th of exercise 1B. According to 2020 edition, question number 10th is the HCF of two numbers A and B is 5. वो कह रहा है HCF दो numbers A and B का 5 है. HCF of A and B is 5. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है and their LCM is 200. और LCM है A and B का 200, right? आगे क्या कह रहा है question में? Find the product A and B. हमें product निकालना है. तो हमें पता है कि हमने पहले भी किया हुआ है formula HCF into LCM is equals to product of two numbers, right? तो HCF कितना था? 5 और LCM कितना था? 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमें निकालना है राइट तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 200 इनटू 5 दैट इज 0 0 2 5 इज 10 1000 इज द आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है The LCM of two numbers is 9 times of their HCF. LCM जो है दो number का वो 9 times है HCF का, right? आगे क्या कह रहा है? The sum of LCM and HCF is 500. और LCM और HCF का sum 500 है. तो हमें HCF निकालना है कि कितना है? तो कैसे निकालेंगे हम LCM इस वाली इक्वेशन में या तो ये रख दीजिए या इस इक्वेशन में ये रख दीजिए राइट तो ये हमने अगर इसको फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया राइट तो हम LCM की ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ LCM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट to equation 2 इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू यहां से LCM की वैल्यू इसमें रख रही हूं तो ये क्या आ गई ये थी हमारी LCM plus HCF equals to 500 तो मैंने यहां पे LCM की वैल्यू रख ली 9 HCF हमें HCF ही निकालना था 9 into HCF का हो तो 9 HCF ही आएगी plus HCF equals to 500 अब ये 9 और ये कुछ नहीं दे रखा इसके आगे 1 मानेंगे तो कितना हो गया 9 plus 1 10 HCF हो गया equals to 500 HCF कितना आ गया हमारा 500 ये मल्टीप्लाई में था HCF के साथ 10 इधर आके डिवाइड में आ गया तो कितना आ गया ये 50 आ गया HCF ही निकालना था that means 50 is the answer Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.